लग रहे हैं, रेड रेड टमाटर हैं, बिल्कुल फ्रेश में टमाटर लिए हैं। एक छोटा टमाटर लिए, ये देख थोड़ा सा पहले इसके अंडे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, हमारी दुआ आप जहाँ भी रहे हैं उससे मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाँ जी व्यूअर, ये देखें आज मैं बनाने लगी हूँ टमाटर और अंडे की एक नई रेसिपी जो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो ये देखें टमाटर मैंने ले लिए, टमाटर और अंडे की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें ऐसे आप। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें टमाटर और अंडे की एक नई रेसिपी जो है मैं आज आपसे शेयर करूँगी। ये देखें टमाटर जो है, ये देखें मैं गोल गोल जो है ऐसे कतले काट लेने हैं आपने। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं रेड रेड टमाटर हैं, बिल्कुल फ्रेश में टमाटर लिए हैं। एक छोटा टमाटर लिए, एक मीडियम साइज़ का लिया है। बड़ी यूनिक रेसिपी है, बड़ी आसान सी रेसिपी और बड़ी मिनटों में बन जाती है। ये आप रेसिपी नाश्ते में बना सकते हैं, मेहमानों के सामने बना के रख सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी इसके अंदर करते हैं, फ्राई पैन के अंदर करते हैं जी ऑयल ऐड। दो से ढाई चम्मच जो है मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। तो फ्लेम को थोड़ा सा आप जो तेज़ करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ऑयल जो है वो जल जाएगा। हाँ जी व्यूअर, ये देखिए इसके अंदर ऑयल जो है मैंने गर्म कर लिया, दो से तीन चम्मच। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको मैं लो कर लूँ। इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ टमाटर। हाँ जी व्यूअर, ये देखें तकरीबन दो से तीन मिनट हो गए हैं और ये टमाटर जो है मेरे काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर करते हैं हाँ जी व्यूअर, ये देखें इसके अंदर मैं ये तीन अंडे लिए हैं मैंने, इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, देखिए इसके अंदर मैं साबुत दादर मिर्च जो वो थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, आधी चमची। तो थोड़ा सा इसके अंदर कर रही हूँ चाट मसाला ऐड। इसको अच्छे से करेंगे। ये देखिए धनिया मैंने थोड़ा सा दो कटिंग करके रखा हुआ था, थोड़ा सा ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अच्छे से करेंगे मिक्सिंग। तो इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है आपने। इसके ऊपर ही आपने ये मटेरियल ऐड कर देना। बहुत मज़े का ये बनता है। इसको आपने तो हल्का सा बस कर देना, तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना, तो कैसे ये जल जाएगा। बड़ा मज़ेदार सा ये जो है अंडे टमाटर का आमलेट रेडी होगा। फिर ये देखें इसके अंदर मैंने दो अंडे और ऐड किए हैं। ये देखें ये देख थोड़ा सा पहले इसके अंडे के अंदर पहले इसकी सब्जी जो है वो मिक्स हो गई थी। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें कितना यूनिक लग रहा है। तो ये फ्लेम को लो कर दिए, ऊपर ढक्कन दे के डाल देंगे। अब ये भाप के साथ ये जो है हमारा आमलेट रेडी हो जाएगा।
हाँ जी, फिर उसे देखे माशाल्लाह से मेरा ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया। इतना खूबसूरत बना है, इतना फ्लफी सा बना है, इतना ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बड़ी आसान रेसिपी है, मिनटों में बन गई है। तो आप भी घर में ट्राई करें, ब्रेकफास्ट में या नाश्ते में बना सकते हैं, साथ में चपाती के साथ बना सकते हैं, पराठे के साथ बना सकते हैं। घर में सालन नहीं है तो मिनटों में आप ये फटाफट से ये जो है ऑमलेट जो है अंडे और टमाटर का ऑमलेट जो है वो बना के तो आप रोटी खाएं। अगर घर में कोई सालन नहीं है या किसी चीज को दिल नहीं कर रहा है, 2 मिनट में ये आप बड़ी यूनिक सी रेसिपी बना के खाएं, इतनी मजे की बनती है। आप जिधर आपने एक रोटी खानी है उधर आप 2 रोटियां खाएंगे। तो ठीक है, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो तो कमेंट करके लाजमी आपने बताना है कि आपको ये मेरे अंडे टमाटर की यूनिक रेसिपी कैसी लगी।